अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य एवं प्रदेश महासचिव सुनील शर्मा बिट्टू ने भाजपा सरकार पर प्रदेश में हर स्तर की नियुक्तियों में धांधली के आरोप लगाए हैं। सुनील शर्मा ने प्रदेश विश्वविद्यालय में नियुक्तियों में धांधली के आरोप लगाते हुए जिलाधीश हमीरपुर के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम की कुर्सी से चंद किलोमीटर की दूरी पर प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति में धांधली का मामला शर्मनाक है। प्रदेश विश्वविद्यालय की सिलेक्शन कमेटी में इंटरव्यू में उच्च शिक्षा को नजरअंदाज किया गया। इससे ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि भाजपा सरकार शिक्षण संस्थाओं का राजनीतिकरण कर रही है और संविधान और पात्रता एवं योग्यता के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए अपने चहेतों को उच्च पदों पर आसीन कर रही है, जो कि देश और प्रदेश के लिए खतरे की घंटी है। सुनील शर्मा ने योग्य पात्र अभ्यर्थियों के प्रति सहानुभूति जताते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी योग्य और पात्र पढ़े लिखे नौजवानों की आवाज बनकर इस धांधली की परत को बेनकाब करेगी। इस मौके पर जगदीश चंद भारद्वाज, शक्ति कुमार, एसके कोड़ा, विशाल कुमार, अनिश कुमार, हंसराज व युवा कांग्रेस के महासचिव निशांत शर्मा आदि उपस्थित रहे। आज हमारी एक बहुत ही मुख्य और समाज के प्रति संवेदनशील मांग है। इस कोरोना की महामारी में जिस तरीके से माता पिता अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो आज का नौजवान है वो एक सही तरीके से शिक्षा प्राप्त करता है, लेकिन एक बहुत ही संजीदगी वाला मामला सामने आया है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में, शिमला में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्तियाँ हुई हैं उनमें सरेआम धांधली दिखाई दे रही है, उसमें सरेआम राजनीतिक दबाव दिखाई दे रहा है। जयराम, मुख्यमंत्री जी से हम सवाल करना चाहते हैं कि अगर इस तरीके से आप योग्यताओं को दरकिनार करके अपने राजनीतिक इच्छाओं के लिए इस तरीके से संविधान की धज्जियां उड़ाएंगे तो ये जनता माफ़ नहीं करेगी। हम आज हमने राज्यपाल महामहिम को ज्ञापन भेजा है। यहाँ के लोग हताश हैं, वो विद्यार्थी और वो अभ्यर्थी जो जिन्होंने अप्लाई किया था वो हताश हैं, और जिस तरीके से ये धांधलियाँ चल रही हैं पूरे देश में, पूरे प्रदेश में, लेकिन हैरानी की बात है कि मुख्यमंत्री जयराम जी की नाक के नीचे चंद किलोमीटर की दूरी के ऊपर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ वाइस चांसलर HP यूनिवर्सिटी एक फैसला लिया जाता है जिसमें कि PhD के जो पात्र एप्लीकेंट्स हैं उनको इग्नोर किया जाता है और एक MTech स्टूडेंट्स को वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति दी जाती है। हमारी मांग है राज्यपाल जी के द्वारा, हमने ज्ञापन भेजा है कि ऐसी नियुक्तियों को खारिज किया जाए, एक उच्च स्तरीय जांच बिठाई जाए और ये पता किया जाए कि ऐसी कौन सी नौबत थी जिसके चलते हमारे PhD के जो एप्लीकेंट्स थे उनको इग्नोर किया। और बड़ी हैरानी की बात है कि इंडिया रैंक के कॉलेजेस से जो एप्लीकेंट्स हैं उन्होंने अपनी MTech किया है, PhD किया है, उनको इग्नोर किया जा रहा है। इसे साफ जाहिर है कि भाजपा की जयराम की सरकार में योग्यता के कोई नियम नहीं हैं, कोई कानून नहीं है, कमेटियां केवल मात्र एक उपहास है और राजनीतिक दबाव के चलते जो छुपी हुई शक्तियां हैं वो एक षड्यंत्रकारी तरीके से शिक्षण संस्थानों के ऊपर संविधानों की धज्जियां उड़ा करके, नियम की धज्जियां उड़ा करके जो काम कर रही हैं उस काम के खिलाफ हमने आवाज़ उठाई है। मैं सभी एप्लीकेंट्स को आश्वस्त करना चाहता हूं कि बतौर हिमाचल प्रदेश महासचिव होने के नाते सुनील शर्मा सभी एप्लीकेंट्स के साथ सहानुभूति रखते हैं। कांग्रेस पार्टी के माध्यम से हम इस आवाज़ को आगे उठाएंगे और इसके अंदर जो धांधली हुई है उसको, धांधली को बेनकाब करने के लिए हम हर संभव कोशिश करेंगे। हम इस मामले को विधानसभा में उठाएंगे, हम इस मामले को समाज में लेके जाएंगे, हम इस मामले को जनता के बीच में लेके जाएंगे ताकि लोगों को मालूम चले समाज के द्वारा विश्वास जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी के जो लोग, जयराम सरकार जो धांधलियां कर रही हैं यूनिवर्सिटी में, शिक्षण संस्थानों का जो बेहाल हो रहा है उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी जो है हर संभव मुहिम चलाएगी और जो एप्लीकेंट्स हैं उनके साथ हम दिन रात खड़े हैं।